हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा बतास किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक और इजी वनीला कुकीज। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 टेबलस्पून ले रही हूँ मेल्टेड बटर, 3/4 कप पिसी हुई चीनी मिक्स करेंगे, 2 अंडे रूम टेम्परेचर में, 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 से 3 पिंच नमक मिक्स कर लेंगे। हाई स्पीड पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको बीट कर लेंगे। आप चाहे तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 ग्राम मैदा मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर मैदा अगर थोड़ी सी ड्राई लगे तो आप इनमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर पतली लगे तो इसमें आप थोड़ा सा और मैदा और पिसी हुई चीनी ऐड कर दें और एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। ओवन में बनाने के लिए मैं ले रही हूँ माइक्रोवेव का बेसिक प्लेट, जिसको तेल से ब्रश करेंगे और मैदे से डस्ट कर लेंगे। डो को इसी तरह से सेमी सॉफ्ट बनाएंगे, 1 टेबल स्पून करके लेकर हाथों में रोल करेंगे, स्मूथ करेंगे और चपटा कर लेंगे। एक ही तरह से और भी बना लेंगे। अब इनको ओवन में ट्रांसफ़र करेंगे। बचा हुआ जो डो है उससे मैं गैस पर बनी हुई कुकीज़ बनाऊंगी। कन्वेक्शन मोड 180 डिग्री से पहले इसको 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी जब क्रिस्पी हो जाएगी ऊपर से, तब मेल्टेड बटर से इसको ब्रश कर लेंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और फिर से इसको 3 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। वनीला कुकीज़ ओवन में बन चुके हैं। इसको आधे से 1 घंटे के लिए हम ठंडा कर लेंगे। गैस पर बनाने के लिए केक टिन को तेल से ब्रश करेंगे और मैदा डस्ट कर लेंगे। एक ही तरह से 1 टेबल स्पून करके लेकर हाथों में रोल करेंगे, स्मूथ करेंगे और चपटा कर लेंगे। इनको अब कढ़ाई में पका लेंगे। मैंने यहाँ पर नमक और एक स्टैंड रख कर कढ़ाई को 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। इसके ऊपर केक टिन को रख देंगे। 30 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 30 मिनट के बाद बटर से ब्रश करेंगे, फिर से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही इजी कढ़ाई में भी कुकीज़ बन चुकी है, और ये नीचे से इस तरह से ब्राउन कलर की हो चुकी है। क्रिस्पी इस कुकीज़ को आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। शाम को चाय के साथ इसे परोस सकते हैं। इन कुकीज़ को बेहतर होगा आप इसे 1 दिन के बाद परोसें, तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।